आदर्श को स्वागत मां के आपके स्वागत में आज नवरात्रि की रोटी बनाऊंगी। ये समा के चावल लिए मैंने और ये साबुदाना भिगो कर रखी मैं 2 घंटे पहले दोनों चीजें। पर सबसे पहले वहाँ चटनी, ये मैंने धनिया पुदीना लिया है, अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च लिए और 2 चम्मच दही लिया है और 4 से 5 काजू है। ये सेंधा नमक है पर्द वाला, तो मैं सबसे पहले अदरक और ये डालती हूँ काट के जल्दी आराम से पीस जाए। और 2 हरी मिर्च मैंने मोटी वाली कम तीखी वाली, डाल देते जा रहे हैं। अरे 4 से 5 काजू लिए थे, इससे कलर बहुत अच्छा है चटनी का हमारे। और ये धनिया पुदीना डाल लेते हैं जार में। ये सेंधा नमक है भरत वाला, ये 2 चम्मच मैंने दही लिया था घर का। ये हमारी बनकर तैयार हो गई, खोल के देखते हैं। वाह कितना प्यारा कलर आया है। चटनी हमारी बन गई है। अब ये समा के चावल और अदरक और 1 हरी मिर्ची रखी है। 1 कप समा चावल है और 1/2 कप साबुदाना है। तो मैं इसमें डालती हूँ 1 हरी मिर्च, अदरक काट कर ताकि हमारा अच्छे से पिस जाएगी बारीक हो गए। मिर्च आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो और जो मसाले खाना पसंद करते हो वो मसाले डाल सकते हो। हमारे में हरी मिर्च खाते हैं या काली मिर्च, और अपने लाल मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च डाल सकते हो बारीक, ज़्यादा पानी न डाल। चावल हमारे पिस गए हैं साबुदाने चावल, मसाला डाल लेते हैं। काली मिर्च है, ये सेंधा नमक है, पुलाव डालती हूँ, कच्चा जीरा है। ये पानी में मैंने गर्म पानी में हींग डाल रखी है, इसमें अपने भले उतार कर डालेंगे। हल्का गुनगुन पानी है, इधर तेल चढ़ा दिया है मैंने, इसको फेंट लेते हैं। थोड़ा हरा धनिया डाल लेती हूँ इसमें, हाथ से बनाऊंगी। बहुत अच्छे बनते हैं, बर्तन में भी आप चाट खा सकते हैं चटकारे मार के। ज़्यादा तेज आंच पे करें, कभी कम ज़्यादा कर देते हैं। खुशबू भी आ रही है मसालों के हमारे, जो हमने सेक है ये हम गर्म पानी डाल देते हैं। हींग का पानी कम से कम 1/2 घंटा पानी में रखें, अच्छे से फूल जाए, फिर मैं प्लेटिंग करके दिखाऊंगी आपको। ये पानी में के भल्ले हमारे तैयार है, निचोड़ के प्लेटिंग कर सकते हो। ये दही है, वीडियो अच्छी लगा लाइक और शेयर जरूर करें। ये अनार के दाने हैं, कितने बढ़िया लग रही है। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर जरूर करें।